मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने व्याकरण भाग में से काल का विस्तृत अध्ययन किया। तो काल के कुल मिलाकर तीन प्रकार होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। काल यानी क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम क्रिया काल कहते हैं, जो समय का पता चलता है। और उसी के अनुसार जो है तीन प्रकार हैं, वर्तमान और भूत और भविष्यत। इसके अंतर्गत भी और भी कुछ उपभेद आते हैं, उसका हमने समग्र अध्ययन जो है काल के वीडियो के अंतर्गत किया है। आज हम उसी के अंतर्गत जो है प्रश्नोत्तर, बहु विकल्पीय प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। काल का व्याख्या जो है आपने देख लिया है, उसका जो प्रकार हैं तीन, उसके अंतर्गत और भी उपभेद आते हैं, उसका भी जो है विस्तृत अध्ययन किया है। चलिए हम बहु विकल्पीय जो प्रश्नोत्तर के अनुसार जो है आपको काल जो व्याकरण भाग के अंतर्गत है वो कहाँ तक समझ में आया है, यहाँ पर हम परीक्षण करेंगे। तो आज का विषय है काल, टेंस कहते हैं, तो उसके ऊपर हम आज जो है प्रश्न अभ्यास का चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य में काल के कितने भेद माने गए हैं? हिंदी साहित्य में काल के कितने भेद माने गए हैं? तो विकल्प देखते हैं, पहले ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही उत्तर जो है वह है तीन भेद माने गए हैं, जैसे भूतकाल, वर्तमान, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ऐसे तीन भेद माने गए हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो देखेंगे वर्तमान काल के भी जो है तीन प्रमुख रूप से, उसमें वर्तमान काल के जो उसके उपभेद कितने हैं, ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका सही उत्तर जो है वह है 5 भेद हैं, जैसे सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो इस तरह 5 प्रकार हैं, अपूर्ण वर्तमान काल भी आता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो है 5 माने जाते हैं और अपूर्ण भी कभी कभी आ जाता है, हमने उदाहरण भी उसका देखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के, अभी वर्तमान का देखा हमने, अभी भूत के कितने प्रकार हैं उसे देखेंगे। तो विकल्प देखेंगे, ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इसका सही उत्तर जो है वह है 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल, इस तरह जो है 6 प्रकार होते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो इस प्रकार है, जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे कहेंगे, जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हम क्या कहेंगे। तो विकल्प देखते हैं, पहले ए हेतु हेतु मद भविष्यत काल, बी हेतु हेतु मद भूतकाल, सी सामान्य भूत, डी सामान्य भविष्यत काल।
तो इसका सही उत्तर जो है जो इस प्रकार है, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, यानी राम आए तो श्याम जाएंगे, जो है एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। यदि राम आएंगे तो श्याम भी चले जाएंगे, उसी प्रकार वे आए तो हम जाएंगे, आदि जो है हेतु हेतु मद भविष्यत में होता है, वो आएंगे तो हम जाएंगे। इस तरह जो है यहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उसे हम हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, जहाँ भूतकाल में किसी कारण क्रिया का न हो सकना व्यक्त हो सकना व्यक्त हो, यानी जहाँ भूतकाल में किसी कारण क्रिया का न हो सकना व्यक्त हो, यानी विकल्प देखेंगे तो पता चलेगा, ए अपूर्ण भूत, बी आसन्न भूत, सी हेतु हेतु मद भूतकाल और डी सामान्य भूतकाल। तो इसका सही उत्तर जो है वह है हेतु हेतु मद भूतकाल। यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। तो यहाँ पर भूतकाल का किसी कारण जो है वह वाक्य, यानी वह पढ़ता तो, पढ़ा नहीं है, पढ़ता तो क्या हो जाता, परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो जाता है। इस तरह जो है यह इसका उत्तर जो है हेतु मत भूतकाल। ठीक है, यहाँ भूत में यह जो है पूरा नहीं हुआ वाक्य। ठीक है, देखिए वो यदि पढ़ता तो, यदि लिखता तो वह पास हो जाता ऐसे। ठीक है, आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है, तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण, तो हम यहाँ पर विकल्प देखेंगे, ए वह जाता है, बी वह जा चुका है, सी वह जा रहा है, डी वह जाता होगा। तो इसका जो है इसमें कौन सा तात्कालिक वर्तमान है, तो इसका सही उत्तर जो है वह जा रहा है, यानी अभी जाने की क्रिया जो है अभी अभी प्रारंभ हो गई, वह जा रहा है तो अभी अभी जा रहा है, तो इसीलिए आप क्या करें, वह जा रहा है तो तात्कालिक यानी सडनली कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहेंगे, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहेंगे, तो विकल्प देखेंगे हम, ए कारक, बी काल, सी अव्यय, डी क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर जो है वह है काल, जिस सबसे क्रिया के होने का ठीक है पता चलता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, राजा सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है, राजा सो रहा था। तो देखिए भूत में यह भूतकाल में आता है, कौन सा प्रकार है उसमें हमें देखना है, ए पूर्ण भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी आसन्न भूतकाल, डी सामान्य भूतकाल। तो इसका उत्तर जो है वह है अपूर्ण भूतकाल, राजा सो रहा था, जो सोने की क्रिया है जो पूर्ण नहीं हुई है, सो रहा था, सो कर उठ गया था, इसका अर्थ जो है पूर्ण हो जाएगा। यहाँ जहाँ क्रिया भूतकाल में तो हो रही हो लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले वहाँ अपूर्ण भूत होता है। तो यहाँ पर जो है राजा सो रहा था जो है अपूर्ण जो है जानकारी यहाँ समय का पता चलता है, इसीलिए यह अपूर्ण भूतकाल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वहाँ वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है, वहाँ वर्षा हुई होगी जो है अंदाजा लगा रहे हैं इसीलिए। तो देखेंगे तो कौन विकल्प में देखेंगे, ए संदिग्ध, बी संभाव्य, सी अपूर्ण वर्तमान काल, डी पूर्ण भूतकाल। तो इसका सही उत्तर जो है वह है संभाव्य, संभावना जो जता रहे हैं यहाँ पर। देखिए वहां वर्षा हो ही होगी, संभव आगे की बात कर रहे हैं इसीलिए संभाव्य काल है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न।
मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ वाक्य में कौन सा काल है? मैं खाना खा चुका हूँ। तो देखिए अभी अभी क्रिया जो है खत्म हो गई है, इसलिए ए सामान्य भूत, बी पूर्ण भूत, सी आसन्न भूत, डी संदिग्ध भूत। तो इसका सही उत्तर जो है वह है पूर्ण भूतकाल। जो खाने की क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है भूतकाल में, ठीक है, इसीलिए ये पूर्ण भूतकाल कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है। श्याम पत्र लिखेगा। श्याम जो है पत्र लिखेगा। वाक्य में कौन सा काल है? श्याम पत्र लिखेगा, इसमें कौन सा काल है? तो विकल्प देखेंगे हम। ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वह है भविष्यत काल। श्याम पत्र लिखेगा, अभी भविष्य में हो रहा है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। काल के बोध का संबंध किससे है? काल के बोध का यानी उसका ज्ञान का संबंध किससे है? तो विकल्प देखेंगे। ए वचन से, बी संज्ञा से, सी अव्यय से, डी क्रिया से। काल के भेद यानी ज्ञान का संबंध जो है उसका सही उत्तर जो है वह है क्रिया से होता है। क्रिया का जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं चार, उसमें भूतकाल नहीं है। तो देखेंगे, ये वह पढ़ रहा था होगा, बी वह पढ़ने वाला है, सी उसने पढ़ाई की थी, डी उसने पढ़ाई की होगी। तो इसमें हमें कौन सा जो है भूतकाल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वह पढ़ने वाला है, अभी पढ़ने वाला है। यह पूर्ण भूतकाल जो है हो गया, उसने पढ़ाई की होगी, ठीक है। वह पढ़ने वाला है यानी अभी वह तैयारी नहीं की है, यानी आगे की बात कह रहे हैं। उन्हें पढ़ाई की होगी यानी वह किया होगा, ऐसे आप सोच रहे हैं, ठीक है, अंदाजा लगा रहे हैं। संभाव्य भूतकाल में आ जाएगा। तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न। हेतु हेतु मद भूतकाल उदाहरण है, भूतकाल का उदाहरण है हेतु हेतु मद, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। ए तुम आते तो मेरा काम बन जाता, बी लड़के थक गए थे, सी श्याम ने खाना खाया, डी घोड़े के चार पैर तथा दो कान होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वह है तुम आते तो मेरा काम बन जाता। ये हेतु हेतु मत, एक वाक्य जो दूसरे वाक्य में भूतकाल में जो क्रिया होती है उसे हम हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित कीजिए यानी पहचानिए। मैं खाना खा चुका हूँ, तो भूतकाल को इंगित करना है। तो यहाँ पर विकल्प हैं ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी आसन्न भूतकाल, डी संदिग्ध भूतकाल। तो इसका सही उत्तर जो है वह है पूर्ण भूतकाल। मैं खाना खा चुका हूँ यानी खाने की जो क्रिया है वह पूरी हो गई है भूत में, भूतकाल में। तो इसका सही उत्तर जो है बी पूर्ण भूतकाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? जो यहाँ पर क्रिया देखेंगे, ए उसने फल खा लिए थे, बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, सी अचानक बिजली कौंध उठी, डी कल वे आने वाले थे। तो यहाँ पर सही जो उत्तर है वह है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ये वर्तमान जो
काल में चलने वाली क्रिया है, वो पढ़ने की क्रिया जो है अभी लगातार चल रही है इसीलिए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें से तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तात्कालिक यानी अभी अभी जो है प्रारंभ हो गया है, ठीक है, वर्तमान में। तो यहाँ पर देखेंगे, ए वह जाता है, बी वह जा चुका है, सी वह जा रहा है, डी वह जाता होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वह जा रहा है, यानी जाने की क्रिया अभी अभी जो है उसके सामने जो सम्मुख है वो हो रही है, इसीलिए इसका सही उत्तर है वह जा रहा था। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? किस वाक्य में, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, वो सामान्य भूतकाल है, यानी क्रिया का जो है निश्चित समय पता नहीं चलता है। उसने पुस्तक पढ़ी, बी उसने पुस्तक पढ़ी है, सी उसने पुस्तक पढ़ी थी, डी उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो इसका सही उत्तर जो है वह है उसने पुस्तक पढ़ी। उसने पुस्तक पढ़ी, कब पढ़ी पता नहीं, यानी यहाँ पर जो है समय का पता नहीं चलता है, उसे हम सामान्य भूतकाल, भूतकाल में जो क्रिया का समय पता नहीं चलता है। उसने पुस्तक पढ़ी, कब पढ़ी, ठीक है, इस तरह प्रश्न करने पर जो है उत्तर नहीं मिलता है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। इस तरह जो है आज हमने काल के संबंधित जो तीन प्रकार हैं उसका विस्तृत अध्ययन के साथ साथ आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर द्वारा जो है इस तरह आज हमने जो काल का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।